क्या आपको पता है मार्केट प्लेसेस पे सबसे ज्यादा नुकसान में सेलर कैसे जाता है? या आपने सुना होगा कि मार्केट प्लेस पे भाई मैंने सेल किया था, बहुत सारे लोग आपको ऐसा बोलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्या रीजन हो सकता है? देखिए मार्केट प्लेस पे जब एक प्रोडक्ट सेल होता है ना, तभी मार्केट प्लेस आपसे कमीशन लेता है, ऐसा तो कोई सब्सक्रिप्शन या कमीशन लेता नहीं है। उसके बावजूद भी मैक्सिमम सेलर यहाँ पर फेल क्यों हो जाते हैं, उसके पीछे का रीजन है रिटर्न्स। आप अपने रिटर्न्स जब मैनेज नहीं करते, आप अपने रिटर्न्स जब अकाउंट नहीं करते हो, ट्रैक नहीं करते, तो उस सिचुएशन में आपको मार्केट प्लेस से बाहर होना पड़ता है, अल्टीमेटली आप बहुत बड़े नुकसान में चले जाते हैं। आज की वीडियो रहने वाली है 10 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आप अपने रिटर्न्स को मैनेज एंड कंट्रोल कर पाओ। एंड बिलीव मी, अगर आपने ये पॉइंट्स अप्लाई कर लिए तो आपका अभी जितना रिटर्न परसेंटेज चल रहा है उसको आप डायरेक्टली विद इन 3 months हाफ कर सकते हो। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आई एम ऋषि, वेलकम टू ऋषि ई-कॉमर्स। पहला पॉइंट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। देखिए ये तो सबको पता है कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट रखना चाहिए, बट करते बहुत कम सेलर्स हैं गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को फॉलो। आज भी मैं बहुत सारे सेलर का मोटिवेशन जो होता है मार्केट प्लेस पे आने का, वो यही होता है, वो एज अ बायर मार्केट प्लेस को देख रहे होते हैं, उनको कोई शर्ट टी शर्ट या साड़ी 200 की या 150 की दिखती है, उनको लगता है मैं तो यार इसको इससे कम में सेल कर सकता हूँ, और वो जाते हैं मैन्युफैक्चरर के पास और उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या आपने आज भी, आप जाओ मार्केट प्लेस पे, क्या आपने देखा है कि कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप 200-250 में बेच रहे हो, फिर भी आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो, और वहीं कोई सेलर उसको 50 रुपए में भी बेच रहा है और 100 रुपए में भी बेच रहा है? ये इसके पीछे का रीजन है रॉन्ग कैलकुलेशन, और ये सेलर्स अल्टीमेटली नुकसान में जाते हैं। So, रिटर्न्स को मैनेज करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए हो जाता है। सबसे पहले प्रोडक्ट क्वालिटी को आपको प्रॉपर आपकी रखना पड़ेगा। देखिए अगर आप प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी रखोगे ना, तो हो सकता है रेट आप ज्यादा रखो, शुरू में ऑर्डर आपके कम आए, बट जैसे जैसे ऑर्डर्स आएंगे वैसे वैसे आपके रेटिंग रिव्यू अच्छे होंगे और वैसे वैसे आपका जो सेल है वो बढ़ता जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपने गलत क्वालिटी और प्रोडक्ट लिया, लो में आप लिस्ट करोगे, जल्दी ऑर्डर आ जाएंगे लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं आएंगे। तो इस रेशियो को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे आज भी सेलर कहते हैं कि सर प्रोडक्ट क्वालिटी हम बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा तो ऑर्डर नहीं आएंगे। भाई रेट जितने आएंगे वो अच्छे आएंगे, रिटर्न नहीं होंगे, अच्छे रिव्यू रेटिंग आएंगे कल के टाइम में और ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मिस कर दिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, इन तीनों मार्केट प्लेस पे आपको पता है भाई कस्टमर के पास पूरा यहाँ पे कंट्रोल रहता है कि वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है, तो एक रिटर्न परसेंटेज होता है स्पेसिफिक। हर कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी आप सेल कर रहे हो वहाँ पे एक स्पेसिफिक रिटर्न परसेंटेज रहता है। अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज 17% का रिटर्न चलता है, अमेजोन की करूँ तो वो लगभग 15.5-16% तक का रिटर्न चलता है। मैं कस्टमर रिटर्न की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, कितने डिलीवर हुए उनमें से कितने रिटर्न हुए, ऐसा नहीं कि कितने आपने भेजे और उसमें से कितने रिटर्न हुए, क्योंकि उसमें से कई आरटीओ भी आ जाएंगे, आरटीओ के इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, तो उसको हम हटा देते हैं साइड में। बस मीशो की बात करूं तो मीशो पे ये जो रिटर्न परसेंटेज है अभी के टाइम पे 19 से भी ऊपर जा रहा है, 20 के आसपास का रह रहा है। तो अगर इस रेंज में आपका रिटर्न परसेंटेज है तो दैट मीन्स आप मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहे हो, लेकिन इतना इससे ऊपर जा रहा है हो सकता है बिजनेस लॉस में जा रहा हो, और अगर इससे 5-10% ऊपर जा रहा है तो बहुत लॉस में आपका जा रहा है, तो इस पे आपको स्पेशली ध्यान देना है। इसके अलावा अगर आपका 10 से कम है तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सो अभी के टाइम में आपका कस्टमर रिटर्न परसेंटेज कितना चल रहा है ये मुझे आप कमेंट में बताओ। अगर मुझे लगेगा कि उस पे मुझे अपनी कोई राय देनी चाहिए या अप्रिशिएट करना चाहिए तो मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया था, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है जिससे आप अपने रिटर्न काफी कम कर सकते हैं, वो होता है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। अब देखिए ज्यादा प्राइसिंग और कम प्राइसिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है, प्राइसिंग हमेशा कॉम्पिटिटिव रखनी है। कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जैसी है उस हिसाब से उसका रेट है। आप एज अ बायर अपने प्रोडक्ट को कितने का खरीदना चाहोगे वो उसको कहते हैं कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग। कई लोग सोचते हैं कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग का मतलब होता है सबसे लो प्राइस, नहीं, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग का मतलब जिस क्वालिटी में आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से उसका रेट आप रख रहे हो। क्यों? क्योंकि मान के चलिए देखिए आपको कोई भी शर्ट लेनी है, आप एज अ बायर सोचिए आपको कोई शर्ट लेनी है, तो शर्ट तो देखिए 100 रुपए में भी आएगी और शर्ट 10,000 में भी आएगी, लेकिन जब आप ऑर्डर करोगे मान के चलिए आपने 700 रुपए की ऑर्डर, तो आपके दिमाग में एक चीज है कि मैंने 700 रुपए दिए हैं, क्वालिटी 700 वाली आपके दिमाग में रही। अब अगर क्वालिटी वैसी है शर्ट की तो आप उसे रिटर्न नहीं करोगे, क्योंकि 700 रुपए वाली क्वालिटी उसकी बन रही है, और अगर नहीं बनेगी तो दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। हाँ अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है, कई लोग 100 रुपए 150 रुपए की भी शर्ट मंगाते हैं ऑब्वियसली, तो उसकी क्वालिटी आप उस हिसाब से रखिए, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट
जितना लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप भेजोगे उतना रिटर्न आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपकी रेटिंग रिव्यू खराब होता जाएगा। इससे बेहतर है आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लें, उसकी अच्छी मार्जिन पे लिस्टिंग करें और उसको अपना ब्रांड नेम दें और धीरे धीरे उसका प्रमोशन अपने ब्रांड नेम से करना स्टार्ट करें। थर्ड पॉइंट है रिटर्न मैनेज करने का और रिटर्न को कंट्रोल करने का, वो है मैनेज योर कैटलॉग। कई सेलर का कैटलॉग ही मैनेज नहीं रहता। अब अगर आपका कैटलॉग ही मैनेज नहीं होगा तो ऑब्वियसली कस्टमर की एक्सपेक्टेशन कुछ और है और आप भेजोगे कुछ और बाद में अल्टीमेटली वो रिटर्न भी आएगा और आपकी रेटिंग भी खराब होगी। सबसे पहले इसमें इमेजेस आ जाती है कैटलॉग में। देखिए, आपने इमेजेस लगा रखी है तो इमेजेस हमेशा बेस्ट क्वालिटी लगानी होती है, बट ऐसा ना हो कि आपका प्रोडक्ट 200-300 रुपए का हो, क्वालिटी उसकी बिल्कुल भी बेकार हो, बट आपने उसकी फोटो बहुत अच्छी लगा रखी है। ऑर्डर आ जाएंगे गाइज, लेकिन रिटर्न हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप प्रोडक्ट की जो ऑफिशियल इमेजेस जो आपने लगा रखी है प्राइमरी सेकेंडरी, वो आप लगा के रखिए, बट एक इमेज ओरिजिनल इमेज रखिए प्रोडक्ट। ओरिजिनल मतलब अपने हाथ पे लेके या अपने घर में किसी को पहना के। तो उससे क्या होगा, कस्टमर को एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट ये है और ये एक्चुअल में ऐसा दिखता है। देखिए, बहुत सारे कस्टमर रेटिंग रिव्यू देख के खरीदते हैं, रेटिंग रिव्यू में वो जाते हैं, वहां देखते हैं कई कितने जो बायर है उन्होंने फोटो डाली है, वो फोटो देख के वो कैसा लग रहा है उससे वो परचेज करते हैं। तो क्यों ना हम वो अपने लिस्टिंग में डाल दें, मतलब कैटलॉग के फोटो में डाल दें। ये कई कैटेगरीज में अलाउड नहीं है, बट जिसमें अलाउड है उसमें आप कर सकते हैं। और आने वाले टाइम पे ये, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी भी आ रही है, आने वाले टाइम पे ये स्ट्रिक्टली फॉलो होने वाला है कि आपकी जो इमेजेस होगी उसमें एक इमेज आपको इस टाइप की रखनी पड़ेगी। इवन मीशो ने तो बोल भी दिया है अपने सेलर्स को कि आप ऐसा करना स्टार्ट करिए। बाकी अमेजोन फ्लिपकार्ट में भी हो सकता है बहुत जल्दी ये पॉलिसी आ जाए, क्योंकि कई बार मैक्सिमम टाइम जो मैं देखता हूँ वो रिटर्न इस वजह से हो जाते हैं कि भाई देखा कुछ और मिला कुछ, चीज का आप ध्यान रखें। इसके अलावा साइट चार्ट आपका प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए आपकी लिस्टिंग में, क्योंकि अगर आप स्पेशली अगर लाइफस्टाइल कैटेगरी में हो तो वहाँ पे साइजेस का बहुत ज्यादा रहता है कस्टमर को कंसर्न। तो साइट चार्ट का प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए और उसी तरीके से आपको साइट चार्ट अपडेट करना है। ए प्लस कंटेंट आप रखिए, फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे है और मीशो पे है तो डिस्क्रिप्शन उसका सही रखिए और उसमें प्रॉपरली लिखिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी से निकाल के या फिर कैसे भी आपने उसका डिस्क्रिप्शन निकाला, नहीं, खुद से लिखिए, खुद से उसको फिल्टर करिए। क्योंकि अगर किसी को अपने पैसे खर्च करने हैं कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट पे, तो वो सब कुछ पढ़ेगा, सब कुछ देखेगा। तो आप ए प्लस लिस्टिंग में उसकी प्रॉपर नॉलेज दीजिए, उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छे से डालिए, इस वजह से भी रिटर्न्स होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना। इसके अलावा वीडियो अगर डाल सकते हैं कैटलॉग में तो आप वीडियो डालिए और जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट है उनको आप जल्दी से जल्दी पॉज कर दीजिए, क्योंकि वो आपका मैक्सिमम नुकसान कर रहे हैं। आपका हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, हाई सेलिंग प्रोडक्ट तो अच्छा चल रहा है, बट जो जिसके रिटर्न ज्यादा आ रहे हैं वो उस प्रॉफिट को भी लेके चला जा रहा है। और हाँ, जब आप टाइटल लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो उसमें कलर एक्यूरेट लिखें, उसके बाद उसमें क्या साइज है प्रोडक्ट का, क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, वो करेक्ट होनी चाहिए। अगर एक भी स्पेसिफिकेशन इधर से उधर होता है तो कस्टमर को रिटर्न का डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगता है, और ये आपने पर्सनली भी एज अ बायर देखा होगा, इस चक्कर में बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो अगर आप सिर्फ कैटलॉग को भी अच्छे से मेंटेन कर दें, अपने कैटलॉग को सुपीरियर दिखाने की कोशिश ना करें, ओरिजिनल दिखाने की कोशिश करें, वहीं से आपके बहुत ज्यादा रिटर्न्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्रोडक्ट में हमेशा एक Q&A सेक्शन होता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई डाउट है कस्टमर को तो पूछ सकता है, तो वो क्वेश्चन आते हैं उनके आप आंसर दे सकते हो। अब जब नया कस्टमर खरीदता है तो वो उन क्वेश्चन आंसर को देखता है, वो रैंडमली आस्क क्वेश्चन होते हैं जिनको FAQs बोलते हैं, वो FAQs आप चाहें तो खुद से भी डाल सकते हैं, राइट? कभी मुझे लगता कहीं कुछ सेलर ने कभी ये सोचा होगा, बट आप इसको करिए, क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर जब आप खुद से डाल सकते हैं, आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में जनरली क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन को आप पहले से वहां डालिए और उसका सॉल्यूशन वहां पर लिख दीजिए। इससे कस्टमर का कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाता है और वो इसलिए नहीं मंगाता कि चलो यार देख लेते हैं कैसा आएगा, उसको पता रहता है कि मैं क्या मंगा रहा हूं और इस वजह से रिटर्न काफी कम हो जाता है। पांचवें नंबर का ट्रिक है यहाँ पर रिटर्न मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग। क्या आप में से कितने सेलर ऐसे हैं जिनको रिटर्न मैनेजमेंट करना आता है? मैंने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें मैंने रिटर्न मैनेजमेंट आपको बताया था। बाकी आप रिटर्न को अच्छे से मैनेज करिए, देखिए कि कितने आपके रिटर्न आए, उनमें से कितने डैमेज थे, उनमें से कितनों का क्लेम मिला, कितनों का नहीं मिला, कितनों को आप दोबारा सेल कर सकते हो, कितनों में पैकेजिंग का नुकसान हुआ है, कितनों में कितना शिपिंग चार्ज लगा, इस तरीके का आप प्रॉपर मैनेजमेंट इसको करके रखिए। उसके अलावा ट्रैक करिए कि अगर आपके 10 रिटर्न हुए तो 10 के 10 आए या नहीं आए, तो प्रॉपर आपको इन पे एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी और हर महीने के एंड में उसको प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा। दिक्कत क्या है कि हमारे 100 प्रोडक्ट गए, 100 में से मान के चलिए 15 रिटर्न हो गए, तो 15 रिटर्न हुए तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें शिपिंग वगैरह लगेगा, बट शिपिंग लगने के बाद भी अगर 15 में से 2 आपके पास आए ही नहीं तो वो फिर डबल नुकसान हो गया। तो इस चक्कर में बहुत दिक्कत हो सकती है, आपको रिटर्न मैनेजमेंट और रिटर्न ट्रैकिंग को प्रॉपरली रखना पड़ेगा। अगला ट्रिक है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट द रीजन। मैं ऐसे बहुत सारे सेलर को जानता हूँ जिनका रिटर्न परसेंटेज अभी के टाइम में 20-25% चल रहा है,
है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है किस वजह से चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो कभी इन्वेस्टिगेट करते ही नहीं है। आप बायर पोर्टल पे जाइए, कमेंट्स पढ़िए, आप कस्टमर जो सेलर पोर्टल है उस पर भी आ जाता है कि क्या सब्जेक्ट लाइन से आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो रहा है। आप एट द एंड ऑफ द मंथ चेक करिए कि किस रीजन की वजह से सबसे ज्यादा रिटर्न आपके हो रहे हैं। देखिए, ये बात तो ऑब्वियस है कि जब भी कोई कस्टमर को प्रोडक्ट रिटर्न करना होता है तो वो सबसे इजीएस्ट वे ढूंढता है कि भाई ये वाला वो टिक करके रिटर्न कर देता है। तो इनको आपको जेन्युइनली लेने की जरूरत नहीं है। बट जब बायर कमेंट करता है तो कोई भी बायर अगर कमेंट कर रहा है और स्पेशली 2-3 लाइन का कमेंट कर रहा है तो वो झूठ नहीं कर रहा है, उसको जेन्युइनली दिक्कत हुई है। और मैंने ऐसा अपने केस में भी और लोगों के केस में भी देखा है कि जब किसी भी बायर को फालतू रीजन की वजह से रिटर्न करना रहता है तो वो कुछ भी नहीं लिखेगा, वो जस्ट रिटर्न 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 और ऐसे लिख के छोड़ देगा। बट अगर वो लॉन्ग कमेंट लिख रहा है तो वो आपको जेन्युइन मतलब अच्छे से सीरियस लेने की जरूरत है और उस पर आपको इंप्लीमेंट करने की जरूरत हो जाती है। नेक्स्ट ट्रिक है, इसको बहुत कम सेलर करते हैं, वो है वेयरहाउस चेक। हम सोचते हैं हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी नहीं है, कहीं क्वालिटी में तो दिक्कत नहीं हो रहा, कहीं कस्टमर तक लेट तो नहीं पहुंच रहा, कहीं कस्टमर गलत रीजन की वजह से, हम मतलब ये ऑनलाइन सारे रीजन देख लेते हैं लेकिन ऑफलाइन वाला रीजन नहीं देखते। और मैंने बहुत सारे सेलर के वेयरहाउस में विजिट करके ये देखा है कि दिक्कत उनके वेयरहाउस में थी जिसकी वजह से उनके रिटर्न ज्यादा आ रहे थे। रीजन कैसा, यह मान के चलिए रेड कलर की कुर्ती का ऑर्डर आया और उन्होंने एम्प्लॉय बिठा रखे हैं, 500 ऑर्डर हैं और तो 500 ऑर्डर भाई हर किसी को चेक तो नहीं कर सकते। रेड की जगह में पिंक डाल दिया, पिंक की जगह में ब्लैक डाल दिया, ब्लैक जो है वो डाल दिया भाई, जल्दी काम निपटाओ और मामला। इस चक्कर में बहुत सारा नुकसान हो जाता है। अदरवाइज आप खुद सोचो, क्या एक सेलर अपने बिजनेस का नुकसान करना चाहेगा एक प्रोडक्ट की बजाय उसके अंदर पत्थर डाल के, उसके अंदर वगैरह वगैरह जो भी हम न्यूज में सुनते हैं, कोई करना चाहेगा? आप एज अ सेलर ऐसा करना चाहोगे? क्योंकि नुकसान तो अल्टीमेटली आपका ही होगा ना, आपका अकाउंट ब्लॉक होगा, आपकी पेमेंट होल्ड होगी, आपकी पेमेंट कटेगी, कौन सेलर ऐसा चाहेगा? बट उसके बावजूद भी ऐसा कैसे हो जाता है? तो ये ऑफलाइन वेयरहाउसिंग की दिक्कत होती है। और मुझे बहुत सारे सेलर बोलते हैं ये कुरियर बॉय की दिक्कत है। नहीं, कुरियर बॉय रिटर्न शिपिंग में हो सकता है घपला करे, बट फॉरवर्ड शिपिंग में घपला करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो ये जितने भी इश्यूज हैं इनको आप एड्रेस करिए और अपना वेयरहाउस चेक एक बार अच्छे से करिए। जितना भी आपका वेयरहाउस स्टैंडर्डाइज होगा उतना बेहतर आप रिटर्न्स को मैनेज कर पाओगे। दैट मींस अगर आपके वेयरहाउस में सारे काम QR के थ्रू होते हैं, सारे काम प्रॉपरली, आप टैग वगैरह आपने अच्छे से लगा रखा है, रैक्स एंड बीन्स बना रखे हैं, सारी चीजें प्रॉपर वे में हो रही है, अकाउंटेबिलिटी है सब चीज की, तो रिटर्न्स काफी हद तक आप कंट्रोल कर पाओगे। आपको बिजनेस को बिजनेस की तरह लेना है, ऐसा नहीं कि इतने ऑर्डर आ जाएंगे इतना रिटर्न हो जाएगा मैं प्रॉफिट बना लूंगा। मनी सर्कुलेशन की बजाय आज भी मैक्सिमम सेलर मनी सर्कुलेशन पे चल रहे हैं, बीइंग ऑनेस्ट मनी सर्कुलेशन पे नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी पे चलने की कोशिश आपको करनी है। 8वें नंबर की ट्रिक है फास्ट फुलफिलमेंट। देखिए, एज अ बायर आपको भी ये चीज पता है कि अगर आपने कोई ऑर्डर आज एक चीज करी तो 3 या मैक्सिमम 4 या मैक्सिमम 5 दिन के बाद आपका मूड बदल जाएगा, अब मुझे नहीं चाहिए, या पैसे जो रखे थे उसके लिए वो खत्म हो जाते, या आपको कहीं और उससे बेहतर पसंद आ जाता है, या इन 5 दिनों में आप ऑफलाइन दुकान से खरीद लेते। तो आपको हमेशा फुलफिलमेंट अपनी फास्ट रखनी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आप FBF या FBA का यूज कर सकते हो, उसके बाद आप अपना RTD वगैरह मार्क बहुत जल्दी कर सकते हो, इसके अलावा आप 1-day delivery 2-day delivery वाला पर्पस स्टार्ट कर सकते हो। तो जितनी फुलफिलमेंट आपकी फास्ट रहेगी उतने आपके रिटर्न्स एंड कैंसिलेशन कम हो जाएंगे। देखिए, एक जनरल सर्वे बताती है कि अगर आपका ऑर्डर 7 दिन से ऊपर चला गया, 7 दिन तक कस्टमर को डिलीवर नहीं हुआ, तो 85% चांसेस होते हैं कि आपका प्रोडक्ट कैंसिल ही होगा या रिटर्न ही होगा। और आप एज अ बायर ये अग्री करोगे कि हाँ ऐसा होता है भाई, 2 दिन में आ जाता है तो हम उसे ले लेते हैं, और 5-6 दिन लग जाते हैं तो तब तक तो मूड ही बदल जाता है। तो फास्ट फुलफिलमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 2 पॉइंट्स यहाँ पे मैं और बताऊंगा, 2 ट्रिक्स आपको 9th और 10th। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार आए हो तो। और इसके अलावा मैंने सारे मार्केट प्लेसेस की अलग अलग जो है वो प्लेलिस्ट बना रखी है, फ्लिपकार्ट की अलग, मीशो की अलग और अमेजोन की अलग, आप जाके देख सकते हैं जिस भी मार्केट प्लेस का आपको हेल्प की जरूरत है। बाकी अगर आप न्यू सेलर हैं या नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने न्यू सेलर की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड लास्ट पॉइंट पे। तो सेकंड लास्ट पॉइंट बताने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको, जो मेरे साथ हुआ था, इस वजह से मुझे लगता है कि इस वजह से बहुत सारे रिटर्न्स होते होंगे। सो कुछ टाइम पहले मैंने एक माइक मंगाया था अपने लिए, और वो कैमरा माइक था। अब जब वो मैंने माइक मंगाया, मैंने उसको यूज करना शुरू करा तो मुझे वो यूज करना नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप नया कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज करते हो तो हो सकता है आपको यूज करना नहीं आए, और यूज करना जब आपको नहीं आता है तो प्रॉपर उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल भी देखा, सब कुछ देखा, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्या होता है, नॉन रिटर्नेबल होता है। बट मैंने
मैंने उसको रिप्लेस किया, मुझे लगा उसमें कुछ गड़बड़ होगी। फिर जब रिप्लेस करके आया फिर भी मुझे वही दिक्कत हुई। मैंने बहुत ट्राई किया, खुद से भी किया, यूट्यूब पे भी देखा, दोस्तों को बोला, लेकिन किसी को नहीं आया, क्योंकि किसी को उसकी नॉलेज उतनी नहीं थी। अब मैंने कस्टमर केयर पे जब कॉल करा तो मैंने उनको ये नहीं बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट का रिफंड चाहिए, मैंने ये बोला आप मेरे को सिखा दो इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना। उन्होंने बोला सर ऐसा कोई भी फंक्शन हमारे पास नहीं है जिससे हम सिखा पाए। अब आप खुद सोचिए, अगर ये प्रोडक्ट को सिखाने के लिए कुछ होता तो क्या मैं इस प्रोडक्ट को रिटर्न करता? उसके बाद मैंने उसको रिटर्न ही किया और मुझे रिफंड मिल गया। आप खुद सोचिए सेलर का कितना नुकसान हुआ। एक रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कितनी होती है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। दो बार फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज लगती है और एक बार रिवर्स शिपिंग चार्ज उसमें लग जाता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अगर कॉम्प्लिकेटेड, देखिए अगर कपड़े वगैरह हैं तो वो चलेगा, और कपड़े में भी या जूते चप्पल में भी हो सकता है उसको कोई ऐसी क्लिप हो, कोई ऐसा उसका साइज बढ़ाने और छोटे करने वाला हो, या फिर वो टॉप किस टाइप की है, अगर कपड़े हैं तो वो किस टाइप की, वो सब आपका एक प्रोडक्ट मेन्यू होना चाहिए जो प्रोडक्ट के अंदर आप डालो। स्पेशली अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या वैसा कोई आइटम है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, या आप कोई खिलौना वगैरह बेच रहे हो, या कोई भी ऐसी चीज जिसको आपको लगता है यार अगर कोई फर्स्ट टाइम यूज करेगा तो उसको कॉम्प्लिकेशन होगी और वो अल्टीमेटली ये सोचेगा कि ये प्रोडक्ट वैसा है ही नहीं, पता नहीं क्या आ गया है। तो आप उसमें एक प्रोडक्ट गाइड डालिए मेन्यू टाइप जिसमें आपने प्रॉपर वो लिखा हुआ होगा। बिलीव मी उससे आपके रिटर्न परसेंटेज तुरंत ही कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप ये आपको हेल्प जरूर करेगा। फाइनल पॉइंट है प्रॉपर पैकेजिंग टू सेव डैमेज। अभी रिसेंटली मैंने एक रील पोस्ट करी थी इंस्टाग्राम पर, आपने अगर देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि प्रोडक्ट इतना सा था और उसकी पैकेजिंग इतनी बड़ी थी और उसके अंदर कुशन वगैरह भी कुछ नहीं था, तो प्रोडक्ट पूरा उसके अंदर इधर से उधर हिल रहा था, और प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं था कि जो नॉर्मल प्रोडक्ट, वो टूटने वाला प्रोडक्ट। तो क्या लगता है आपको ऐसी पैकेजिंग करनी चाहिए? नहीं। तो आपको अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग सबसे पहले अट्रैक्टिव करनी है। इसके अलावा जो प्राइमरी पैकेजिंग है स्पेशली आपकी, सेकेंडरी में तो आप मार्केट प्लेस की ब्रांडेड पैकेजिंग रखो, प्राइमरी पैकेजिंग को आप अच्छा रख सकते हो, उससे ऑब्वियसली फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा वगैरह वगैरह, वो सब चीजें भी हो जाती है। बट उससे बड़ी चीज आपको प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऐसी रखनी है जिससे वो डैमेज कम हो, या कपड़े हैं अगर आपका, आप ड्रेसेस वगैरह बेचते हो तो ऐसे भेजो कि उसमें अच्छे से इस्त्री लगी हुई हो, आयरन किया हुआ हो, ऐसा नहीं कि बस ऐसे भेज दिया भाई तू एक बार खोल के उसको पहले इस्त्री करना फिर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा मुझे मिला है कई बार और उस चक्कर में ही उसको रिटर्न किया गया। देखो आपको भी पता है अगर मैंने ये शर्ट पहनी है, अगर ये शर्ट मैं अभी धो के सुखा के सीधे पहन लूं तो बहुत बेकार लगेगी और लगेगी 100 रुपए की, बट अगर मैं इसको अच्छे से आयरन करके फिर पहनूं तो उसके बाद वो प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा लगती है। तो ये लॉजिकल चीजें हैं। तो आपका प्रोडक्ट का डैमेज कम होगा तो उससे रिटर्न कम होंगे, कई बार तो रिटर्न इसी वजह से हो जाते हैं, पैकेजिंग गलत है और डैमेज हो जाता है, या पैकेजिंग उस लायक नहीं है और उस वजह से प्रोडक्ट उस सिचुएशन में नहीं पहुंचा जिस सिचुएशन में कस्टमर के पास पहुंचना चाहिए, बेस्ट सिचुएशन में नहीं पहुंचा और उस वजह से रिटर्न्स हो गए। तो ऐसे बहुत सारे और रीजंस छोटे छोटे भी होते हैं, उनको एड्रेस ऑब्वियसली आप करते ही होंगे, बट ये 10 चीजें मुझे लगा आपको लिस्ट करनी जरूरी थी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके रिटर्न रिव्यूज करने में। अभी आपका रिटर्न परसेंटेज क्या है वो मुझे जरूर बताना, और रिटर्न परसेंटेज के सामने आपकी कैटेगरी भी लिख देना ताकि मैं एक बार देख पाऊंगी इसके, क्योंकि कुछ कैटेगरी में बहुत हाई रिटर्न होता है जैसे स्पेशली लाइफस्टाइल, बाकी में थोड़ा कम रहता है, तो उससे मैं आपको आइडिया दे सकूं। और अगर कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं तुरंत उसकी वीडियो आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगा। बाकी फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो रिलेटेड कोई भी हेल्प की जरूरत हो मेरे टीम का नंबर वीडियो में और फर्स्ट कमेंट में वीडियो की जरूर होता है, आप अपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट में डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी टीम कंसल्टेशन आपको देगी, आपका अकाउंट चेक करके जो भी चीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं। हाँ, सर्विसेज अगर आप लेते हैं तो वो पेड होती है, ऑब्वियसली वहाँ पे टीम का एक्सपेंडिचर भी मुझे निकालना होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।